हेलो स्टूडेंट, लाइंस एंड एंगल चैप्टर के लिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस फिगर में पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है और प्रूव करना है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो पहले देखिए, जो गिवन है वह लिख लेते हैं, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं जो प्रूव करना है। तो देखिए, पी क्यू एस हम पहले ये निकालते हैं कितना होगा। ध्यान दीजिए, ये स्ट्रेट एंगल है 180 होगा ना, तो इसमें से अगर हमने इसको एक्स लिखा है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यह जो एंगल है 180 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर टू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग पी आर टी देखेंगे तो पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स क्यों होगा। देखिए यहाँ पर यह पूरा 180 है, एक्स माइनस हो गया ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है ना, तो फ्रॉम वन एंड टू से हम लोग आज कर पा रहे हैं कि पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो देखिए, हम लोग बहुत इजीली ये प्रूव कर पाए कि एंगल पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है। अब हम अलग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिगर में कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, और तब हम लोग को प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो देखिए, हम लोग कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले जो गिवेन है लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यह पूरा जो एंगल होता है ना, पूरा जो एंगल है वह 360 डिग्री होता है। मतलब क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, यह सब मिला के कितना होगा, 360 डिग्री। ये पूरा एंगल 360 होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई जो डब्लू प्लस जेड है उसकी जगह भी हम लोग एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। डब्लू प्लस जेड की जगह भी हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई। तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री यूजिंग फर्स्ट, मतलब हमने फर्स्ट को यूज कर दिया। तो देखिए कितना आ रहा है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अगर देखिए, यह जो एंगल है x प्लस वाई, यह जो एंगल है 180 डिग्री हो गया, मतलब यह इम्प्लाइज कर रहा है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यह जो स्ट्रेट एंगल ए ओ बी है वह 180 डिग्री है। इसका मतलब हो गया कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी एक लाइन हो गई। क्यों, एक स्ट्रेट एंगल जो फॉर्म होता है 180 डिग्री का, वह एक लाइन पे फॉर्म होता है। तो देखिए, बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे प्रूव कर पाए कि एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है और इसलिए ए ओ बी एक लाइन। हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कहा गया कि फिगर में पी ओ क्यू एक लाइन है और ओ आर परपेंडिकुलर है पी ओ क्यू के, साथ में कुछ इंफॉर्मेशन और हैं यह प्रूव करना हम लोगों को। देखिए, हमने क्या किया कि एंगल आर ओ एस को हमने एक्स एज्यूम कर लिया है और हम लोग राइट हैंड साइड से क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान देंगे, हाफ ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लिए थे इसको एक्स ना, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक्स एज्यूम किया है। अब ये जो क्यू ओ एस है, मतलब क्यू ओ एस, देखिए यह 90 है और यह एक्स है, तो यह एंगल हो जाएगा 90 प्लस एक्स, मतलब एंगल क्यू ओ एस जो है कितना हो जाएगा, 90 प्लस एक्स माइनस। अब देखिए, पी ओ एस, देखिए पी ओ एस कितना होगा, देखिए ये पूरा 90 होता है ना, एक्स कट गया तो 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, तो देखिए कितना 1/2, यहाँ पे कितना 90 प्लस एक्स, ब्रेकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस 90 प्लस एक्स, क्योंकि 90 माइनस हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x, तो 1/2 इंटू 2x और 2 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू एक्स, और आप x को बहुत इजीली लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। तो देखिए, हम लोग बहुत आराम से ये क्वेश्चन लगा पाए। सबसे पहले हमने ये एज्यूम कर लिया था x, उसके बाद हमने एंगल क्यू ओ एस लिखा, क्यू ओ एस 90 प्लस एक्स, और फिर एंगल पी ओ एस था जिसको लिख दिया 90 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई किया एक्स आ गया, और एक्स क्या था, आर ओ एस। तो ये देखिए कि हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को लगा पाए। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।